हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि किसी भी जमीन पर परमानेंट स्टेक कैसे लें। जब जमीनी विवाद आपका चल रहा होता है और कोई भी पार्टी कोई काम उस जमीन पे करना चाहता है, कोई दवाल का घेरावा करना चाहता है या एग्रीकल्चरल लैंड है तो उस लैंड पे खेती करना चाहता है, घर बनाने वाला जमीन है तो उस पे वो घर बनाना चाहता है, घेरावा करना चाहता है, वाल देना चाहता है, तो इन क्या ये सब संभव है। तो इस सब यदि इन सब को रोकना है तो आपको कोर्ट से परमानेंट स्टे लेने की जरूरत पड़ती है। तो परमानेंट स्टे कैसे मिलता है, उसके लिए कोर्ट में क्या करना पड़ता है, तो इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी का विवाद बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है और इस स्थिति में जिस व्यक्ति का जमीन नहीं भी रहता है उस व्यक्ति के जमीन पे दूसरा व्यक्ति उसको कब्जा करना चाहता है या उस पर जबरदस्ती मकान बनाना चाहता है, घर बनाना चाहता है, ये समय आजकल देखने को मिलता है। तो इन सब से बचने के लिए व्यक्ति क्या करता है, जब ऐसा विवाद कोई उनकी प्रॉपर्टी में होता है, डिस्प्यूट कोर्ट में चलता है, तो उससे बचने के लिए उनको स्टे ले लेना चाहिए उस जमीन पे। अब स्टे उनको टेम्प्रोरी लेना चाहिए या परमानेंट लेना चाहिए। टेम्प्रोरी स्टे तो टेम्प्रोरी समय के लिए ही होगा, लेकिन उसको जो है अस्थाई जो निषेधाज्ञा है, जो टेम्प्रोरी परमानेंट इंजेक्शन है, उसको कैसे मिलेगा, परमानेंट स्टे कैसे लेना चाहिए। तो परमानेंट स्टे लेने के लिए जिस प्रॉपर्टी पे आपका विवाद चल रहा है, जो प्रॉपर्टी विवादित है, उस प्रॉपर्टी के लिए पे परमानेंट इंजेक्शन लेने के लिए आपको किसी भी सिविल कोर्ट में, जो उस क्षेत्राधिकार में जो भी सिविल कोर्ट है, उस सिविल कोर्ट में आपको परमानेंट इंजेक्शन का पेटिशन फाइल करना पड़ता है, सूट फाइल करना पड़ता है, सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन फाइल करना पड़ता है। उसके साथ में आपको ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 का एप्लीकेशन भी, जो सीपीसी में प्रोविजन है, दीवानी कानून में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में इसका प्रोविजन है, तो उसके अंतर्गत ऑर्डर 39 रूल एंड 1 2 का एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। और उसमें आपको पूरा उस पेटिशन में लिखना पड़ता है कि कौन से प्रॉपर्टी है, खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल, पार्टी का पूरा डिटेल उसमें लिखना पड़ता है, और जिस चीज़ के लिए वो विवादित जमीन है वो भी लिखना पड़ता है। ये सब किसी वकील साहब की सहायता से आप इसको फाइल करवाइए परमानेंट इंजेक्शन का सूट। अब कोर्ट उस पर देखती है, विचार करती है, यदि जो भी आपका जो इंजेक्शन पेटिशन फाइल किया गया है उसमें आपने मेंशन कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी यदि कोर्ट आपको परमानेंट इंजेक्शन के लिए उसमें कुछ ऐसा ऑर्डर में नहीं लिखा है, वो सिर्फ ऑर्डर किया गया है स्टे का, तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने की रहेगी, उसकी ज़्यादा दिन की वैलिडिटी नहीं रहेगी, फिर वो स्टे खत्म हो जाएगा। इसीलिए कोशिश ये रखें कि जो भी ऑर्डर है यदि आप परमानेंट कराना चाहते हैं तो उसमें आप ऑर्डर में साफ लिखवा दें कि इस जमीन पे मैं परमानेंट इंजेक्शन चाहता हूं, परमानेंट स्टे चाहता हूं। परमानेंट स्टे का मतलब यहां पे ये हुआ कि जब तक वो केस की फैसला नहीं होता है तब तक उस जमीन पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकता। यदि वह व्यक्ति चाहे तो उस पर वाल नहीं दे सकता, कोई जमीन पे घर बनाने वाली जमीन है तो उस पर मकान नहीं बना सकता, कोई दुकान नहीं कर सकता, किसी कोई सेल परचेज नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी उस पर नहीं करे। तो इस सब को रोकने के लिए आपको ऑर्डर में जज साहब से ये मेंशन कराना पड़ेगा कि जब तक जमीन का फैसला ना हो तब तक उस पर कोई किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। यदि उसके बाद भी कोई जमीन, मान लीजिए स्टे जमीन विवादित है, उस पर मुकदमा चल रहा है, उस पर कोर्ट के द्वारा परमानेंट स्टे भी लग गया है, स्टे ये लगा है कि जब तक ये जमीन का फैसला ना हो तब तक उस जमीन पर कोई एक्टिविटी ना हो, लेकिन उसके बाद भी कोई दूसरा व्यक्ति जो है उस जमीन को मान लीजिए बेच देता है, उसका रजिस्ट्री भी हो जाता है। अब जिसके फेवर में रजिस्ट्री होता है वो व्यक्ति भी आ जाता है, खरीदार व्यक्ति भी आ जाता है उस जमीन पर कब्जा करने के लिए, तो उस स्थिति में रजिस्ट्रार, तहसीलदार, जो भी व्यक्ति हैं उससे रिलेटेड सभी व्यक्ति को कोर्ट नोटिस दे सकता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है जिसका उस पर कब्जा है वो तो एक्शन लेगा, एक्शन लेगा तो कोर्ट में फिर उसके लिए एप्लीकेशन मूव करेगा, बताएगा कि इस जमीन पे विवादित है, इस जमीन पे मुकदमा चल रहा है, स्टे भी कोर्ट के द्वारा लगाया गया है माननीय जज साहब के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी सामने वाले पार्टी ने इस जमीन की रजिस्ट्री कर दिया तो रजिस्ट्री किया कौन, तो रजिस्ट्रार भी फंसेगा, सब उसमें फंस सकता है, सबको नोटिस हो सकता है, क्योंकि किसी भी जमीन का रजिस्ट्री आप करते हैं तो रजिस्ट्री करने से पहले जमीन को पूरा वेरिफिकेशन करना चाहिए कि जो व्यक्ति जमीन बेच रहा है ये जमीन व्यक्ति डिस्प्यूटेड तो नहीं है, हर तरीके से उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद उस जमीन को बेचना चाहिए, उस पर रजिस्ट्री करना चाहिए। तो परमानेंट स्टे इस प्रकार से आप कोर्ट से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके
बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।